ये देखिए साथियों, मैं राकेश गर्ग, प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये रोहतक शहर छोटलाल चौक का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये पंचों ऊपर किए हुए हैं, उसके बावजूद ये पानी है। और मैं अगर चौक पे चले जाऊँ तो एक पूरी की पूरी गाड़ी डूब सकती है, कितना पानी यहाँ भरा हुआ है। मतलब आप ये देखिए कि आज सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने ये सारी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। पूरा शहर पानी पानी है, हर गली के अंदर, हर चौराहे के ऊपर कम से कम भी 4-4, 5-5 फुट पानी भर चुका है। कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, कितने लोगों के हताहत होने की इसमें संभावना बनी हुई है। आप इधर देखिए, ये देखिए दूर तक, वो औरतें जो है वो आधी पानी में डूबी हुई है। ये सरकार के दावों की पोल खुल रही है और ऐसा लगता है कि पीने के लिए शहर के अंदर पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है। पहले उसकी किल्लत और अब दूसरी किल्लत भी हो रही है कि सिर्फ 1.5-2 घंटे की बारिश के अंदर ये पूरा शहर पानी पानी हो गया है। मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि कृपया करके अति जल्द इस शहर के अंदर अब आप ये ट्रैफिक व्यवस्था को बंद करवा के नाव और बोट चलवा दीजिए, ताकि लोग कम से कम भी नाव में बैठकर या बोट में बैठकर एक से दूसरे स्थान पर आ चुके। ये भाजपा सरकार और ये स्थानीय प्रशासन हर मोर्चे पर विफल है और पानी ने आज इनकी पोल खोल कर रख दी है। धन्यवाद।